वेलकम टू द चैनल इनक्रेडिबल सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो में नोबेल प्राइज 2020 से रिलेटेड सारी जानकारी दी गई है। नोबेल प्राइज 2020 अब तक 5 क्षेत्रों में अनाउंस कर दिए गए हैं। शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा में। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें नोबेल प्राइज 2020 से क्वेश्चंस बनेंगे, तो जिसके लिए ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो इसे पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए देखते हैं। द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, मेडिसिन में नोबेल प्राइज 3 साइंटिस्ट को मिले हैं, हार्वे के अल्टर, माइकल हॉफ्टन और चार्ल्स एम राइस। फ्रेंड्स, हार्वे जेम्स अल्टर और चार्ल्स एम राइस ये दोनों अमेरिकी साइंटिस्ट हैं और माइकल हॉफ्टन ये ब्रिटेन के निवासी हैं। तीनों वैज्ञानिकों को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इन्हें मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला है। यह नोबेल प्राइज स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। फ्रेंड्स, आगे जानकारी जानने से पहले हम लोग नोबेल प्राइज के बारे में कुछ जान लेते हैं। नोबेल प्राइज 1901 ईस्वी से दिया जा रहा है। यह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार 1967 में आरंभ किया गया और इसे 1969 में पहली बार दिया गया। यह पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है, लेकिन शांति का नोबेल प्राइज नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो में भी दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, हाँ फ्रेंड्स, आप लोग के लिए एक गुड न्यूज है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 जिसका एग्जाम डेट 24 दिसंबर से 30 दिसंबर है, तो इनक्रेडिबल सक्सेस के द्वारा स्टेनोग्राफर 2019 के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीडियोज लाई जाएगी, जिसमें हमारा टारगेट होगा सारे स्टूडेंट से 180 प्लस आउट ऑफ 200 मार्क्स अचीव करवाना। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड स्टेनो 2019 की फॉर्म भरे हैं उन्हें ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और 2020 की भी नोटिफिकेशन आ गए हैं, तो वो भी जिन्हें जो भी भर रहे हैं आप सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिजिक्स में नोबेल प्राइज किन्हें मिला है? फिजिक्स में भी 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। फ्रेंड्स, 1/2 पार्ट फिजिक्स का रोजर पेनरोज को मिला है और बाकी का हाफ पार्ट संयुक्त रूप से रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को मिला है। रोजर पेनरोज को ब्लैक होल की डिस्कवरी के लिए मिला है और रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को हमारी आकाश गंगा के केंद्र में विशाल काय कॉम्पैक्ट वस्तु की खोज के लिए मिला है। फॉर द डिस्कवरी ऑफ सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। तो फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज किन्हें किन्हें मिला है? रोजर पेनरोज को, जो कि ब्रिटेन के निवासी हैं, रेनहार्ड गेंजेल जो कि जर्मनी के निवासी हैं और एंड्रिया गेज जो कि अमेरिकी हैं। नाम एक बार फिर से रिपीट, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज, इन्हें किसमें मिला है? फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में किन्हें किन्हें मिला है? तो केमिस्ट्री में 2 साइंटिस्ट को मिला है, इमैनुअल शार्पेनियर और जेनिफर ए डोडना। इमैनुअल शार्पेनियर फ्रांस की है और जेनिफर डोडना यूएसए की है। फ्रेंड्स, बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कौन कौन से साइंटिस्ट कहाँ के निवासी हैं, इसीलिए कौन कहाँ के हैं इस बात पे भी आप ध्यान दीजिएगा। इन लोगों को
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग, जीनोम संपादन के लिए एक विधि के विकास के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है। इसके जरिए जानवरों, पौधों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए में बदलाव कर गंभीर रोगों का इलाज संभव हो सकेगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये है इमैनुअल चारपेनियल और ये जेनिफर डोडेना। ओके फ्रेंड्स, इन्हें किस क्षेत्र में मिला है? केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है इमैनुअल चारपेनियल और जेनिफर डोडेना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2020। तो फ्रेंड्स, लिटरेचर के क्षेत्र में लुईस ग्लक को नोबेल प्राइज मिला है। लिटरेचर में नोबेल प्राइज प्राप्तकर्ता अमेरिकन पोएट लुईस ग्लक है। इनकी पोएट्री बहुत ही कमाल की है। लुईस ग्लक जितनी भी पोएट्री लिखी है वो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पढ़ेंगे ना तो आप लोग देखेंगे कि ये इनकी पोएट्री कितनी अच्छी है। इन्हें नोबेल प्राइज 2020 में लिटरेचर में मिला, साथ ही साथ इन्हें पहले भी बहुत सारी प्राइजेस मिल चुकी हैं। इन्हें पुलित्जर प्राइज भी मिल चुका है, नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल भी मिल चुका है, नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड भी मिल चुका है और नेशनल बुकर अवार्ड भी मिल चुका है। फ्रेंड्स, इन्हें लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2020 मिला है इस ईयर। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये है लुईस ग्लक, ये 77 वर्ष की है और 1993 में टोनी मॉरिसन के बाद यह पुरस्कार पाने वाली पहली अमेरिकी बन गई है। ओके फ्रेंड्स, लिटरेचर के क्षेत्र में किन्हें मिला है? लुईस ग्लक को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द नोबेल पीस प्राइज 2020। फ्रेंड्स, पीस प्राइज ये मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और प्रोग्राम को। किन्हें मिला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, WFP। अब WFP के बारे में जान लें तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना 19 दिसंबर 1961 में की गई और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर रोम इटली में है। फ्रेंड्स, इन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला है? तो WFP को यह पुरस्कार भूख से लड़ने, युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति के लिए बेहतर माहौल बनाने और भूख को युद्ध व विवाद का हथियार बनाने से रोकने की उसकी कोशिशों के लिए यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया जाएगा। तो नोबेल का शांति पुरस्कार किन्हें मिला है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। फ्रेंड्स, एक बार सारा फिर से रिपीट कर लेते हैं। मेडिसिन में 3 साइंटिस्ट को, हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हॉफ्टन को। फिजिक्स में भी 3 साइंटिस्ट, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया हेज। केमिस्ट्री में इमैनुअल चारपेनियर, जेनिफर डोडेना और लिटरेचर में लुईस ग्लक और शांति में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। ओके फ्रेंड्स, ये थे नोबेल प्राइज 2020 से संबंधित सारी जानकारी। आई होप आपको सारे नाम अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर नहीं याद हुए हैं तो आप वीडियो को दोबारा देख लें। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देती हूँ, SSC स्टेनोग्राफर 2019 के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीडियोज इनक्रेडिबल सक्सेस के द्वारा दिया जाएगा। आप लोग इसे ज्वाइन करें क्योंकि हमारा टारगेट होगा 200 मार्क्स में 180 प्लस मार्क्स अचीव करवाना। तो फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी चैनल के द्वारा वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिले। और वीडियो तो आपको बहुत ही अच्छा लगा है तो सबसे पहले इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर टिल द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।